नमस्कार, मैं डॉक्टर अंचल गुप्ता, सीनियर आई सर्जन, कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्निया सर्विसेज, नेत्रम आई सेंटर, न्यू दिल्ली। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे एम्बियंट लाइट की, यानी कि क्या लाइट परफेक्ट है हमारे रीडिंग एंड डे टाइम वर्किंग कंडीशन के लिए। तो डे टाइम में नेचुरल लाइट इज द बेस्ट लाइट फॉर एनी वर्क दैट यू आर डूइंग। नेचुरल सनलाइट is in the perfect blue light spectrum which is needed for the perfect functioning of brain. हमारे दिमाग को active, सजग और best performing range जो light होती है वो होती है blue light range, जो कि natural sources से आती है। जब हम tablet, devices या mobile phone की screens को देखते हैं तो उनसे artificial blue light आती है जो हमारी आँखों के लिए हानिकारक होती है और वो हमारे दिमाग के लिए भी हानिकारक होती है। जो आर्टिफिशियल ब्लू लाइट रेंज होता है वो हमारे दिमाग के एक्टिव जोन को सप्रेस करता है एंड अल्टीमेटली हमारी स्लीप साइकिल को, हमारे मूड को खराब करता है, हमें इरिटेबिलिटी देता है। तो हम समझेंगे आखिर होती क्या है ये ब्लू लाइट। तो हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होती है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन मदद करती है हमें सोने में, रिलैक्स होने में और काम होने में, और मेलाटोनिन बहुत जरूरी है हमारी ओवरनाइट रिकवरी के लिए। ये ब्लू लाइट हमारी बॉडी में मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करती है और हमारी बॉडी को एक्टिव, एनर्जेटिक और प्रिपेयर करती है डे के लिए। वेयर एज जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, लाइट कम होती जाती है, तो हमारी बॉडी मेलाटोनिन को सिक्रीट करती है। सनसेट के बाद हमारी बॉडी मेलाटोनिन को सिक्रीट करती है ताकि हम रात में अच्छे से सो सकें और रेस्ट कर सकें। दिन में सन के द्वारा निकलने वाली जो नेचुरल ब्लू लाइट होती है वो हमें जरूरी होती है, वो हमें चाहिए होती है। वेयर एज जो आर्टिफिशियल एलईडी लाइट्स के द्वारा निकलने वाली ब्लू लाइट्स होती है वो हमारे मेलाटोनिन रिदम को खराब करती है और रात में ब्लू लाइट्स हमारे लिए कम्प्लीटली हार्मफुल होती है। यानी कि हमें ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस की जरूरत है, मगर उसमें भी हमें क्लियर ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस की जरूरत है ताकि दिन में वो नेचुरल ब्लू लाइट को भी ना ब्लॉक करे। बिकॉज अगर नेचुरल ब्लू लाइट भी ब्लॉक हो गई तो हम एक्टिव, एनर्जेटिक एंड हाई परफॉर्मेंस जोन में नहीं आ पाएंगे। देयरफॉर यू व्हेनेवर यू ऑप्ट फॉर अ ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लास, ऑलवेज आस्क फॉर अ क्लियर ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लास विच ब्लॉक्स ओनली द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ ब्लैक लाइट। जब भी अपने लिए हम रीडिंग लैम्प को सिलेक्ट करेंगे, ऑलवेज सिलेक्ट अ रीडिंग लैम्प विच हैज ब्लू लाइट और डे लाइट एडजस्टमेंट। आजकल ऐसे लैंप्स आने लग गए हैं जो डे में आर्टिफिशियल ब्लू लाइट को नहीं बल्कि नेचुरल ब्लू लाइट को एमिट करते हैं, जो कि 400 नैनोमीटर्स के आसपास होती है। वेयर एज सून एज द सन सेट्स दोज लैंप्स दे एडजस्ट टू कंप्लीट ब्लू ब्लॉकिंग स्टेज सो दैट वी आर एबल टू स्लीप प्रॉपरली। अगर आप माइग्रेन्स एंड हेडेक से सफर करते हैं देन यू कैन चूज अ येलो टिंटेड क्लियर ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लास बिकॉज दे कट ऑफ एवरी एक्सेस लाइट जो कि आपको माइग्रेन से हेडेक्स कॉज कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि आपके दोस्त, परिजन या रिश्तेदारों के काम की हो तो आप इसे शेयर करना ना भूलें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।